हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज बाहर गई थी सुबह सुबह, काफ़ी टाइम लग गया था घर पे आके। कल भी हम लोग बाहर शॉपिंग के लिए गए थे, लेकिन कल मैंने पानी पूरी के लिए चने भिगोए थे। तो कल फिर हम लोग देर से, और घर पे आए तो भी बाहर से ही खाना ऑर्डर किया था। उसके बाद घर पे आने के बाद बहुत देर हो गई थी, तो ये खाना नहीं बनाया था मैंने। तो वो चने फ्रिज में रख दिए थे भिगाए हुए, और अभी फिर बोला चलो इसी चने की, क्योंकि आज भी बाहर गई थी तो लेट हो गया, फिर इसी चने में से अभी बना लेती हूँ बेसन और चने की सब्जी। वो भी बहुत अच्छी लगती है खाने में, और वही बना रही हूँ। और कल लेकर आई थी, दो लिपस्टिक लेकर आई थी, और ध्रुवी ने मस्करा लिया था, ध्रुवी ने ये लिया था, और मुझे दो अच्छे कलर मिल गए, मतलब ये वाले दोनों मुझे चाहिए थे कब से। और उसके अलावा चप्पल और कुछ कपड़े तो धो दिए हैं लाके, उन्होंने एक एक पैर ली थी तो सबके कपड़े धुलने में जा चुके हैं, और धुल चुके हैं, मतलब तार पे भी सुखाती है उनको यही। और फिलहाल बना रही हूँ खाना, बहुत थकान लगी क्योंकि बहुत देर हो गई थी आई मैं घर पे, तो फटाफट कुकर में चने बॉयल होने के लिए रखे और आटा लगा दिया, रस बना के रख दिया है। ये रहा आम रस बना के रख दिया है, और आटा भी लगा दिया है, इसको अभी सॉफ्ट करना बाकी है। वो चने बॉईल हो रहे हैं, लगभग होने ही आए, अभी गैस बंद कर दूंगी, फिर ठंडे हो जाएंगे, फिर बेसन वाले बना रही हूँ चने। 8:30 बजे ही निकल गई थी, और फिर चाय और थोड़े नाचोस खाकर ही गई थी, ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और उसके बाद घर पर आई तो इतना ही, मैं अगर नाश्ता बनाऊँगी ऐसे कुछ बाहर भी कौन लेने जाएगा, इतना कुछ टाइम है नहीं, तो फिर फटाफट मतलब जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फिलहाल खाना बन रहा है, मतलब पहले सब्जी छौंक लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि रस तो बन ही गया है, और सब्जी भी चने बॉईल हो गए तो सब्जी, बेसन वाली सब्जी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट बन जाती है, तो जल्दी से बन जाएगी वो भी। तो हम लोग गए थे मैंगो लेने के लिए, क्योंकि मैंगो ख़त्म होने आए, और उसके बाद चले गए थे हम लोग बेकरी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग गए नहीं थे, तो मीठी ब्रेड भी लेनी थी और कुकीज़ लेने थे, और पेस्ट्री ध्रुवी मंगवा रही थी कितने दिन से, बोले पेस्ट्री लेकर आना, तो वो भी लेनी थी, तो ये सब भी लेकर आया। और ये हमारे फेवरेट बचपन के कुकीज़, हमारे बचपन के कुकीज़ काजू बिस्किट। बना रही हूँ पानी पूरी, और चने जो बॉईल किए थे वही, तो काले चने तो बॉईल मैंने सुबह सारे कर दिए, रगड़ा बॉईल हो रहा है और आलू बॉईल हो रहे हैं। तो ये है वाइट मटर और ये है आलू, वाइट मटर की गैस बंद कर दी, हो गए बॉईल तो, और लेकर आ गई पानी पूरी का पैकेट भी। ये रहा। और अभी तैयार करती हूँ मस्त पुदीने वाला पानी, आज फिर से मैंगो भी लेकर आए, आज अच्छी मिली मैंगो, मतलब धीरे धीरे अच्छी अच्छी आने लगेगी, तो आज बहुत अच्छी मिली। और मैं अपनी फेवरेट मीठी ब्रेड लेकर आई हूँ, फ्रूट वाली, मुझे बहुत पसंद है ये वाली ब्रेड, तो ये लेकर आई हूँ। पहले हम लोग चाय के साथ ही बहुत खाते थे मीठी ब्रेड, अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे बनाना है पानी पूरी का पानी, और फिर रगड़ा तो बॉईल हो, मतलब वाइट मटर बॉईल हो गया, तो उसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी डालकर अच्छे से उबाल दूंगी, और उसके बाद चने का मसाला तो अलग से तैयार करूंगी, आलू और चने, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, हरे धनिया, और थोड़ा जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर इस तरह से तैयार करूँगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और स्पेशली पानी में बहुत मस्त पुदीने की फ्लेवर आएगी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये हैं हरे धनिया और पुदीना इसके अंदर है, और बास्कट चाट बना रही हूँ तो ये अनार के दाने भी निकालूँगी। हेलो फ्रेंड्स, ये हो गया था दूसरा दिन, और मैं बना रही हूँ वाइट गुजराती कढ़ी बना रही थी आज सुबह लंच में ही, एक्चुअली ये कढ़ी बनी, और श्रुतम और अंजलि घूम कर आ गए, बस हम लोग बैठे, काफ़ी सारी बातें की, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ देखे,
बहुत ही मतलब बातें की, लेकिन शाम की ट्रेन थी, हमने कहा रुक जाओ, लेकिन ये 10 दिनों से मतलब 10 दिन की इनकी ट्रिप थी, और आए तो बोले नहीं अभी जाना है, क्योंकि ट्रेन की टिकट भी हो गई थी बुक, और ये हम लोग बाय कहने के लिए बाहर आए। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, जितने भी देर रुके उतनी देर हम लोगों की और मेरी और अंजलि की तो इतनी ज़्यादा बातें होती हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, और बिल्कुल मतलब ऐसे फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग हैं, इसी तरह से हम लोग रहते हैं साथ में। तो बस ऐसे ही हम बाइक कहने के लिए आए, मन तो करता कि 2-4 दिन और सब साथ में रहे, एंजॉय करें, लेकिन बस अंजलि और श्रुतम आए थे और बस उनके ट्रेन का अभी टाइम था, और टाइम था तो घनश्याम छोड़ने गए स्टेशन पे। और कल मैं लेकर आई थी ड्रेस कॉटन के, ज़्यादा नहीं मिले मुझे कलर, क्योंकि इस बार मेरे कलर थोड़े सिलेक्टेड मैंने कर रखे हैं कि मुझे यही वाले कलर लेने। और अथु ध्रुव मस्त अपना मूवी देखकर आ गए, तो तीन ही कलर लेकर आई हूँ मैं, दिखाती हूँ। और वैसे ही कि मैं सलवार और पूरा कुर्ता एक ही कलर का सिलवाऊँगी इस बार, मेरा मतलब अब मैं इसी तरह के कपड़े पहनने के लिए मैंने सोचा। वैसे कलर अच्छे मिले, लेकिन अभी भी मुझे 2-3 कलर और चाहिए थे, वैसे वाले कलर नहीं मिले, पर कोई बात नहीं, मतलब कम से कम मिले तो सही। और पूरे ड्रेस थे दुपट्टे वाले साथ में थे, पर वो ऐसे मुझे लेने नहीं थे तो वो मैंने नहीं लिए, और यही वाले लिए। आज घनश्याम ने चाय बनाया और चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो सबने चाय भी बहुत एंजॉय की, चाय कुकीज़ मीठी ब्रेड मेरी फेवरेट। और मैंने श्रुतम को स्पेशली कहा कि प्लीज़ खाइए, ये बहुत टेस्टी लगती है, मतलब बचपन की याद दिलाती है ये ब्रेड। ये रहे सारे मेरे 3 सूट के कपड़े, बस अब ये है कि इसको सिलवाने कहाँ डालूं। तो ये रहा ये कलर, और बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत प्यारा। और ब्लू के मतलब ब्लू कलर मैं ना खरीदूँ तब तक तो मेरी शॉपिंग खरीदा मतलब शॉपिंग अधूरी सी मुझे लगती है। और ये कलर भी, ये भी पहना हुआ बहुत खिल कर आता है, उठ कर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आज सिर्फ सुबह एग्ज़ाम दी, वो भी मस्त अपना आराम से उठे, और उसके बाद ये देखो मूवी, अब उसके बाद बर्थडे पार्टी है ना। आज का दिन तो मतलब आज तो बहुत ही एकदम एंजॉय किया है पूरा दिन। तो फिलहाल अथु के कोई फ्रेंड्स बाहर खेलने आए नहीं है, तो अथु गया तो था लेकिन वापस लौट कर आ गया घर के अंदर, है ना, कोई नहीं आया ना कोई नहीं आया अभी तक खेलने, क्योंकि 6 बजे सारे आते हैं, अभी तो 6 नहीं बजे, तो कोई कैसे आएगा।